याद है नवंबर के वो शुरुआती दिन जब BHU के कैंपस में तमाम छात्र सड़कों पर उतर आए और लगातार आवाज बुलंद की, प्रदर्शन कर रहे थे। और इसके पीछे बड़ी वजह थी BHU IIT कैंपस में हुई वो घटना जिसने पूरे देश को शर्मसार किया। 2 नवंबर की घटना है। कुछ छात्र ने रात अंधेरे का फायदा उठाकर एक लड़की को बंदूक के नोक पर रोक लिया और उसके साथ की छेड़छाड़। आरोप तो ये भी हैं कि कपड़े उतरवा ली। इस पूरी घटना को लेकर जिस तरीके का माहौल BHU में बना, उसके बाद पुलिस प्रशासन को सामने आना पड़ा, BHU प्रशासन को सामने आना पड़ा। कई सारे बदलाव किए गए, लाइट्स लगाई गई, फेंसिंग की गई, और इस सबके बीच 2 महीने तक पुलिस खाक छानती रही। लगातार खाक छानने के बाद पूरे 60 दिनों के बाद आखिरकार पुलिस के हाथ 3 आरोपी लगे। जी हाँ, बनारस पुलिस की कई टीमों ने बहुत दिनों तक मेहनत की, कई सारे CCTV फुटेज खंगाले और इन्हीं CCTV फुटेज के सहारे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इन 3 लोगों पर आरोप है कि इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पकड़े गए सभी आरोपी वाराणसी के हैं। पुलिस घटना में शामिल बुलेट को बरामद कर चुकी है। आरोपियों का नाम कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल है। ये 3 BHU के छात्र हैं। वहीं इस पूरे मुद्दे को अखिलेश यादव ने BJP के साथ जोड़ा है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करके ये पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे गिरफ्तारी को BJP के साथ जोड़ते हुए लिखा है, ये भाजपा के दिग्गज नेताओं की छत्रछाया में सरेआम पनपते और घूमते भाजपाइयों की वो नई फसल है जिनकी तथाकथित जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी है। ये भाजपा के सर्वोच्च नेताओं में से अवैधान प्राप्त वो भाजपाई हैं जिन पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्राओं के साथ अभद्रता की सीमाएं पार करने का आरोप है। प्रश्नार्थ, क्या नारी सम्मान से खिलवाड़ करने वाले भाजपाइयों को खुली छूट जारी रहेगी। ये तो रही बात अखिलेश यादव, इस पूरे घटनाक्रम को BJP के साथ और BJP कार्यकर्ताओं के साथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इस घटना की बात करें तो 2 नवंबर की बात है, जो सामने आपको शुरू में बताया। FIR के मुताबिक जो पीड़िता की तरफ से दर्ज कराया गया कि 3 युवक जो है वो बुलेट पर आए और उन्होंने गन प्वाइंट पर रोका, उस लड़की को ना सिर्फ रोका बल्कि उसके साथ जबरदस्ती किस करने की कोशिश की, उसके साथ अश्लील हरकत की, गन प्वाइंट पर उसके कपड़े उतरवाए और उसको अपने साथ रखा लगभग 15-20 मिनट और उसको, वो जब चिल्लाने की कोशिश की तो उसे जान से मारने की धमकी दी और उसके बाद वो लड़की पड़ोस में अपने प्रोफेसर के घर भाग गई, जो कि वहीं पर, चूंकि BHU के अंदर ही वो पढ़ाने वाले लोग यानी शिक्षक रहते हैं, तो वहाँ वो अपनी जान बचाकर भाग गई और लड़के, मतलब यानी FIR की माने तो लड़के उसके पीछे भागते हुए गए। ये पूरी घटनाक्रम है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद BHU में आक्रोश देखने को मिला। तमाम छात्र जो है वो सड़क पर आ गए, कई मांगे की गई, उन मांगों के बाद पूरी जांच कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई में अब जाकर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई उनके साथ ही साथ उनके बुलेट को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस के बयान का इंतजार है, पुलिस पर क्या बयान देती है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और जिस तरीके से अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल ये खबर भेजी थी वाराणसी से हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल ने। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।